हमारे असली माता पिता के बारे में तो बताया ही होगा उन्होंने। हमारा बचपन एक साथ गुजरा, हम साथ साथ खेले, हम साथ साथ लड़े। आपको वो कुछ भी याद नहीं? एक परछाई याद है, आपकी महानता की छाया में रहना। हमें याद है कि आपने हमें खाई में फेंक दिया था, उससे जिसे होना चाहिए था एस्कॉट का राजा। तो जिस दुनिया को हम प्यार करते हैं आप उसे बर्बाद करके हमसे बदला लेना चाहते हैं? नहीं, पृथ्वी हमारी हिफाजत में है लोकी। और आप वो काम बखूबी निभा रहे हैं मेरे भाई। इंसान जानवरों की तरह एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं और आप बैठे बैठे कोड़ रहे हैं। हम उन पर राज करने वाले, और क्यों ना करें? आप खुद को उनसे ऊंचा समझते हैं? हाँ बेशक। तब तो आपने राज करने का हुनर सीखा ही नहीं भाई, आपको तख्त रास नहीं आएगा। हमने वो दुनिया देखी है जिसे आप जानते तक नहीं। देश निकालने के बाद हम और मजबूत हो गए ओडिन के बेटे। हमने टेसराइट क्यूब की असली ताकत देखी है, और जब हम उसे इस्तेमाल करेंगे। आपको ये ताकत किसने दिखाई? होने वाले राजा पर कौन काबू रखता है? हम राजा है। यहां नहीं, टेसराइट हमें दीजिए, और ऐसे जहरीले ख्वाब देखना छोड़ दीजिए, और घर आ जाइए। हमारे पास टेसराइट नहीं है। हमें घर ले जाने के लिए आपको टेसराइट चाहिए, पर हमने उसे भेज दिया है पता नहीं कहां। ध्यान से सुनिए भाई, हम सुन रहे हैं। हमें दोबारा हाथ मत लगाना। तो फिर मेरा शिकार मत लेना। तुम नहीं जानते तुम्हारा पाला किससे पड़ा है। नाटक कंपनी के साइड हीरो से? क्या तुम्हारी अम्मा जानती है कि तुम उनके कपड़े चुराकर पहनते हो? ये सब तुम्हारे समझ के परे है टीम के डिब्बे। लोकी को एस्गार्ड के इंसाफ का सामना करना पड़ेगा। अगर वो टेसराइट दे देता है तो जो मर्जी करो, लेकिन तब तक मेरे रास्ते से दूर रहो। चले आते हैं। अरे वाह, बहुत हो गया। पता नहीं तुम यहां क्या करने आए हो। सिर्फ लोकी के इरादे को खत्म करने आए हैं हम। तो साबित करो, और इस हथौड़े को नीचे रखो। अरे क्या कह रहे हो, हथौड़े से ही तो उसकी औकात है। तुम चाहते हो हम हथौड़ा नीचे रख दें? अभी तमाशा खत्म करें।